भाई वो इश्तिहार का टाइम हो गया है, बैठो अभी बैठो, बिस्मिल्लाह पढ़ो। बैठो आप भी। सही सही है। हेलो। हाँ बोल सूरज। मैं जिशान के घर पे आया हूँ। हाँ, इफ्तार पार्टी रखी थी वहाँ। ठीक है ठीक है, मैं पहुँचता हूँ अपने घर पे। ठीक है, कॉल करता हूँ तुझे, बाय। ठीक है, फाइनली आ ही गया घर पे। सूरज को कॉल करूँ? हेलो। हाँ आ गया, मैं घर पे आ जाता हूँ। हाँ हाँ नहाऊं क्यों? घर पे आ, ठीक है। हाँ अरे मेरे भाई, ये भाई आ गया। हाँ अच्छा, क्या कह रहा था तू? बोल रहा था मिलना अर्जेंट, तूने इफ्तार पार्टी भी नहीं करने दी यार। इतना अच्छा उसने इंतजाम किया था, तू पागल वागल तो नहीं है? हाँ एनीवे एक बात बता, तू इतना प्यार करता था उससे? हाँ वो भी तुझसे इतना प्यार करती थी, हुआ क्या भाई मेरे? हुआ क्या, क्यों छोड़ दिया? यार हुआ ये कि मतलब सब कुछ सही चल रहा था, सब ठीक था, सडनली हुआ ये कि मिलने गया मैं कल उससे, और कुछ समझ रहा ना, सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई थी। ठीक है, कैसी सिचुएशन मतलब समझा नहीं, हर बात तेरे को बताऊं कि अब समझ जाए कैसी सिचुएशन यार वैसी। हाँ तो यार उसका मन था, मेरा भी था, फिर मैंने उसको छुआ नहीं, मुझे घिन आने लगी। पागल है घिन आने लगी? अबे वो लड़की है, कोई कूड़ा थोड़ी है जो घिन आएगी तुझे, दिमाग तो सही है तेरा। हाँ मतलब अबे तू समझा नहीं, वो दूसरे धर्म की है पागल, वो मोमडन है और मैं पंडित हूँ, समझ रहा है? इसलिए मेरा तो भाई बिल्कुल मन नहीं किया, तेरे को झूठ नहीं कह रहा। वेट वेट सूरज वेट, क्या कहा तूने? हाँ वो पराय धर्म की है और तू शर्मा है, तू पंडित है, तो मुझे एक बात बताएगा, एकदम एकदम सिंपल सी है, बता रही हूँ। जब तुम्हारे रिलेशन को कितने साल हुए हैं बताएगा जरा? भाई पूरे 2 साल हो गए हैं, ठीक है, लेकिन मैंने आज तक कुछ नहीं किया, बिल्कुल डर के मारे, कहीं मेरा भगवान बुरा ना मान जाए मुझसे। भाई मैं ठहरा प्योर पंडित, वो ठहरी मोमडन की लड़की, समझ रहा है? और जिशान ने भी मुझे इन्वाइट किया था, ऐसे जो तेरी पार्टी होती ना, हाँ रोज़ा इफ्तार की पार्टी, उसमें मैं बिल्कुल नहीं गया भाई, मैंने एकदम मना कर दिया। यार उसी बर्तन में मांस मच्छी पता नहीं क्या क्या खाते हैं, और उसी बर्तन में हमें खाने को देंगे, भाई मेरा पंडित धर्म तो भ्रष्ट हो जाएगा। सिर्फ तेरे चक्कर में ऐसे मोमडन दोस्त भी बनाया मैंने, सिर्फ तेरे चक्कर में। तू तो जयकर है, तू भी बोध है भाई, तू भी ये सब छोड़ दे, क्यों इनके पीछे पड़ा है? ठीक है, ऊपर वाला बुरा मान जाएगा, बिल्कुल धर्म नष्ट नहीं करना चाहते, समझ रहा है? मैं तो सब छोड़ दे, तू भी छोड़। एक बात क्यों बुरा मत माने, तूने अगर उसके धर्म को देख के छोड़ा है ना, तो तुझसे बड़ा बेवकूफ आदमी पूरी दुनिया में नहीं होगा, ठीक है, जहां तक की बात है उसके धर्म की। और हाँ
शीशान की बात है ना, एक बात बता मेरे को, साफ साफ बताइयो, हमारे साथ वो स्कूल में कितने साल पढ़ा, सिर्फ इतना बताइयो। 5 साल पढ़े होंगे भाई हम सारे साथ में, है ना? ठीक कह रहा हूँ ना? 5 सालों में कौन सा ऐसा दिन होता था जब हम टिफिन शेयर नहीं करते थे, बता सकता है कुछ? लगभग हमेशा ही हमने टिफिन शेयर किया है, कभी कभार, वरना तो हाँ हर रोज शेयर करते थे सारे। बस तो उस टाइम पे तेरा धर्म याद आया तेरे को, उस टाइम पे कि मेरा ये धर्म है और मैं उसके टिफिन से खा रहा हूं, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, आया? नहीं भाई, जब साथ पढ़ते हुए हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं आया तो अब क्यों है, सोचा है कभी? यार तेरी कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है तेरी, ये जितना समाज है ना यही सिखाता है हमें, पराया धर्म अपना धर्म, ठीक है ना? जिस दिन इस बात को नोटिस करने लग जाएंगे ना लोग, इस चीज को भूल के एक दूसरे के गले लगेंगे, ठीक है, उसी दिन भारत पूरा कहलाएगा, ये अपना पराया मेरा तेरा धर्म। हाँ ऐसी सोच रखते हुए भी यार माफ करियो, लेकिन शर्म आती है कि तू मेरा दोस्त है। अरे तुझसे अच्छा तो जीशान है जो हमारे फेस्टिवल पे होली मनाता है और अपने फेस्टिवल पे, अपने ईद पे हमें घर बुला के सेवइयां खिलाता है। तुझसे बड़ी महानता उसकी है, तुझसे बड़ा धर्म उसका है। धर्म का भेदभाव करता है साले, शर्म नहीं आती? सॉरी यार,